हैदराबाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नर्सिंग एसोसिएशन की नर्सों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। दरअसल संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नर्सिंग एसोसिएशन की नर्सों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मेडिकल के डीन को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नर्सिंग एसोसिएशन की नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। नर्सों ने कहा कि 2016 से सातवें वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सातवें वेतन के लाभ सहित 3 सूत्री मांग को लेकर डीन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 2500 से 3000 से ज्यादा नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। यदि नर्सें हड़ताल पर गईं तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकती है। मरीजों और उनके परिजनों को भारी से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर के, पहली हमारी मांग है हमें जो वेतन वृद्धि 3-4 इंक्रीमेंट है नर्सेज को दिया जाना, जो कि रीवा ग्वालियर में दिया जा रहा है, हम लोग इनसे वंचित हैं। और दूसरी हमारी मांग है सब समयमान वेतनमान का जो लाभ है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है 2016 से जो देना है। तीसरी हमारी मांगे हैं नर्सेज की भर्ती, जबकि नर्सेज की भर्ती हमारी नर्सेज यहाँ बहुत परेशान हो रही है, जल्द से जल्द इसकी भर्ती कराई जाए ताकि मरीज इस पर सफ़र ना करें। 1.5 से 2 हज़ार नर्सेस हैं अपने यहाँ। क्या कहा है डीन ने, क्या आश्वासन दिया आपको? डीन ने आश्वासन ये दिया है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी करेंगे हम और शासन स्तर पे बातचीत करेंगे। नहीं होता है तो फिर क्या, फिर आंदोलन करेंगे? नहीं होगा तो। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।